हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व ब्लूटूथ प्रॉब्लम इन सैमसंग गैलेक्सी F12। फ्रेंड्स, आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F12 के अंदर ब्लूटूथ प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। फ्रेंड्स, ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे करना क्या होगा, सेटिंग पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, सेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे ब्लूटूथ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है सारे सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है रिसेट। फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैं यहाँ पे रिसेट सर्च कर लेता हूँ। रिसेट सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन आ चुका है रिसेट ऑल सेटिंग, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आ चुका है रिसेट ऑल सेटिंग या फिर रिसेट नेटवर्क सेटिंग। मैं रिसेट नेटवर्क सेटिंग में करता हूँ क्लिक। जैसे फ्रेंड्स रिसेट नेटवर्क सेटिंग में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है रिसेट सेटिंग का। फ्रेंड्स, देख सकते हैं वाईफाई, मोबाइल और ब्लूटूथ, यहाँ जितने भी प्रॉब्लम है आपके यहाँ जितने भी फिक्स करना चाहते हैं तो इसलिए यहाँ पे रिसेट पे क्लिक कर दें। फ्रेंड्स रिसेट पे क्लिक कर देंगे तो आपके आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा रिसेट का, इसलिए यहाँ पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा है ऑल नेटवर्क सेटिंग विल बी रीसेट, द एक्शन कांट बी अंडन। इसलिए फ्रेंड्स रिसेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे रिसेट है, इसलिए कंप्लीट हो जाएगा, आप यहाँ पे रिसेट कर पाएंगे अपने ब्लूटूथ को। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।